नॉनवेज का कुछ टुकड़ा आपके वेज वाले थाली में भी आ सकता है। दीदी के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। उन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट में खाया है जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट जा रहे हैं एक बढ़िया सा सनसेट देखने के लिए, तो मैंने सोचा कि मिनी व्लॉग डाल दूं स्पॉट पे जहां पे सनसेट देखने का मजा ही। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्रेशन भारती। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग गुड। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग नाइट आउट करने के लिए जा रहे हैं शलाला में बाहर, और नाइट आउट का मतलब जो है डिनर करना है। सो चलते हैं और शलाला का रेस्टोरेंट आप लोगों को एक्सप्लोर करवाते हैं। थोड़े टाइम के लिए आपका भाई ट्रैवल ब्लॉगर से फूड ब्लॉगर में शिफ्ट हो गया है एज पर गाइडेड बाई माई जीजू। उन्होंने बोला है कि शलाला का जो फूड्स है कैसा टेस्ट है कैसा है आप अपने दर्शकों को बताएं। तो चलते हैं और साथ में जीजू के एक फ्रेंड भी है एंड लाइक we are ready to rock. All right. तो पैसा आप फुल वसूल हो गया ना जीजा जी? 400 किलोमीटर था, पर सौ ऑफ रोड भी आज कर दिए हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं इंडियन प्योर वेजिटेरियन खाने के लिए। उसका नाम जो है वो उडपी नाम है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एंड काफ़ी बढ़िया सा ऐसे एक्सटीरियर है यहाँ पे। यहाँ पे ना मतलब ऐसे नॉनवेज हर जगह मिलता है, तो अगर आप नॉनवेज वाले रेस्टोरेंट में जाओगे तो नॉनवेज का कुछ टुकड़ा आपके वेज वाले थाली में भी आ सकता है। दीदी के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो दीदी तो मेरी चिकन विकन खाती है तो वो माइंड नहीं करती है, बट मैं भाई प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को ऐसे इंडियन प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में लाया गया है ताकि मैं आराम से बिना खोजबीन किए हुए आराम से खाना खा सकूँ और एंजॉय कर सकूँ। सो लेट्स मूव एंड टाइमिंग ये देख लो यहाँ पे। रेस्टोरेंट का नाम जो है वो उडपी है। आप सोच रहे हो ये हबीबी वाला ये मैं इस कहा क्यों बनाऊँ, तो ऐसे मेरे को शौक था थोड़ा बहुत लगे घूमने का, दैट्स वाई उसको साथ में लेके आया मैं। एंड पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसे लिटरली काफ़ी पसंद आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर रेस्टोरेंट। सो सिंपली दिस इज द डाइनिंग एरिया। तो वे हैव अ मेनू गाइस, ये देखो स्टार्टर्स, नॉर्थ इंडियन डिशेज है इधर, साउथ इंडियन है स्नैक्स में सूप में, एंड साउथ इंडियन है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल। अब बहुत ही डिस्कस करने के बाद हम लेते हैं सूप एज अ स्टार्टर एंड बिरयानी पनीर चपाती फॉर द डिनर, और खाना खा के जो है हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये था ना ये रेस में आ जाता जी जो गाइस। तो ओमान में आके हम लोगों ने इंडियन रेस्टोरेंट में खाया है जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट था, और मतलब खाने के टेबल में ऐसे व्लॉग करना मेरे को लिटरली पसंद नहीं है। मैक्सिमम टाइम देखते हुए कि खाने का जब टाइम आता है तो मैं व्लॉगिंग बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे वहाँ पे कैमरा सही हो जाता हूँ कि मैं खाने में क्या ही दिखाऊँ। लेकिन सच मानो तो भाई साहब यहाँ का जो बिरयानी और पनीर बटर मसाला था भाई साहब क्या ही था। जिस दिन उन्होंने गार्लिक नान ऑर्डर करा था तो वो भी हमने टेस्ट किया, स्वाद लेके मज़ा आ गया। काफ़ी टाइम से ऐसा स्वाद हम लोग ढूंढ रहे थे। बाकी आगे जो है अब क्यू है एंड ये कुछ ऐसा आउटलेट था यहाँ का। जा रहे हैं हम लोग शायद आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। जीजू के फ्रेंड है जो कि हम लोगों को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी है। खाना इतना हेवी हो गया कि कॉफ़ी पी नहीं सकते हैं। सब हम लोग जा रहे हैं घर। आगे का पूरा है क्या परेशान? कुछ नहीं लिया हम। तो गाइज हम लोग वापस पहुँच चुके हैं अपने होटल एंड चलते हैं अंदर आराम से, अब चिल करते हैं, खाना वाना खा लिए हैं। बाकी अभी सुपर मार्केट से कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। वेट, सुबह उठ के हम जाते हैं बस स्टैंड और लेते हैं 12 घंटे की बस फ्रॉम सलाला टू मस्कट,
जो कि टोटल डिस्टेंस 1200 किलोमीटर की होती है। अब इस बार हमारी बस दिन में होती है, जो कि इंटेंशनली ली गई थी ताकि हम सुंदर नज़ारे रेगिस्तानों को देखते हुए चलें। रेगिस्तानों को देखते हुए और मन में ढेर सारी यादें और खूबसूरत लम्हे लिए हम लोग वापस मस्कट की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी हमें दिखती है पवन चक्की, जिसे हम विंडमिल से भी जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ करते हैं। रेगिस्तान में बनाई ये विंड मिल दूर से देखने पे काफ़ी शानदार लग रहा था और इसी खूबसूरत रास्तों से हम पहुंचते हैं मस्कट। बैक टू द चैनल एक्सप्रेशन भारती विद अ गुड बैकग्राउंड। आज जो है वो लोकी जी रो रहे हैं। सो दोस्तों, अभी जो है हम लोग जा रहे हैं एक बढ़िया सा सनसेट देखने के लिए, तो मैंने सोचा कि मिनी व्लॉग डाल दूं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। यहाँ पे 10-20 मिनट के ड्राइविंग पे जो है, मतलब ये हमारा फ्लैट है, यहाँ से 20 मिनट की ड्राइविंग पे जो है एक डैम है जहाँ पे बहुत खूबसूरत सनसेट होता है। तो चलते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं। बढ़िया लग रहा है दिया जी, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से बेटर लग रहा है। करीब 7 बजे के राउंड हम लोग एक सिटी डैम के पास पहुँचते हैं, जहाँ बहुत शांति और खूबसूरत सनसेट देखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं एक ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ और है। एंड हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट सनसेट अभी भी बाकी है थोड़ा सा। वो देखिए उस साइड जो है वो सनसेट है, और ये जो एक छोटा सा डैम बनाया गया है, जब बारिश वारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी ना आ जाए शहर साइड में, उसे रोकने के लिए ये डैम बनाया गया है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है।